दोस्तों, मोटे तौर पर कहा जाए तो इस प्राचीन दुनिया में बंदरों की कई प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से हमने सिर्फ लंगूर, मकूक और बबून जैसी प्रजातियों को ही देखा है। लेकिन दोस्तों, इस प्राचीन दुनिया में बंदरों की 260 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद है, जो पिछले 34 लाख सालों से इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन बंदरों को बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने 260 प्रजातियों में से 10 प्रजाति के बंदरों को दिखाया है। दोस्तों, मेरा दावा है कि आप लोगों ने इन बंदरों को कभी नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कॉटन टॉप तमरिन। दोस्तों, ये बंदर उष्णकटिबंधीय वन के किनारे और उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इन बंदरों के सिर पर सफेद रंग के गहरे और लंबे बाल होते हैं, जो देखने पर कपास के मुकुट जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसे कॉटन टॉप कहा जाता है। इतने लंबे बालों की वजह से इसकी गर्दन भी बहुत कम दिखाई देती है। ये बंदर मोटे शरीर और छोटे कद का होता है, जिसके पीठ और कंधों पर भूरा रंग होता है और पैरों पर पीला रंग। ये छोटे बंदर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं, और इनकी उंगलियां नहीं होती बल्कि पंजे होते हैं, जो इन्हें किसी गिलहरी की तरह इधर उधर कूदने में मदद करती है। इनका वजन 260 से 380 ग्राम के बीच होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है कि इस बंदर की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। नंबर 9, नाइट मंकी। दोस्तों, ये बंदर दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, इसे रात का उल्लू बंदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बंदर है जो रात को अपने जंगलों में घूमता है। दोस्तों, इस बंदर के पास भूरे रंग की बड़ी आंखें होती हैं, जो इसे रात को भी अच्छे से देखने में मदद करती है। कई लोग तो इसे निशाचर बंदर भी कहते हैं। दोस्तों, इसके शरीर पर घने बालों की वजह से इसके कान भी ठीक ढंग से दिखाई नहीं देते। इस बंदर का वजन 455 ग्राम से 875 ग्राम के बीच आका गया है। वैसे आपको ये उल्लू बंदर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, गोल्डन स्नब नोज। दोस्तों, सुनहरे बालों वाला ये बंदर दक्षिण पश्चिम चीन के ठंडे जंगलों में पाया जाता है। इस चपटी नाक वाले बंदर का वजन लगभग 6 किलोग्राम से 40 किलोग्राम के बीच होता है। ये बंदर भोजन के रूप में बोर्ड लीफ के पत्ते, फूल की कलियां, सीप, फल, कीड़े और जंगली प्याज को खाते हैं। दोस्तों, ठंड के दिनों में ये बंदर अपना भोजन सीमित कर देते हैं, ज्यादातर पेड़ों की छाल के अनुसार। इन बंदरों को घर से बेघर करने, जंगलों को काटने और अवैध शिकार के कारण ये भी लुप्त प्रजातियों की सूची में आ गया है। वैसे ये बंदर देखने में बहुत प्यारा लगता है। नंबर 7, डस्की लीफ मंकी। दोस्तों, ये बंदर मलेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। ये दूसरे बंदरों के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं और इनका स्वभाव भी शांत होता है। इस बंदर के मुंह और पेट के चारों ओर सफेद रंग का पेच होता है और बाकी जगहों पर ग्रे कलर होता है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसके आंखों के चारों ओर सफेद रंग का गोला होता है, जो देखने में काफी शानदार दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि इन बंदरों ने सफेद रंग का चश्मा पहना है। दोस्तों, इसके इसी रूप के वजह से इसे चश्मे वाला बंदर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये बंदर पैदा होते हैं तो इनका कलर ऑरेंज या पीला होता है, और 6 महीने के अंदर ये ग्रे कलर में बदल जाते हैं। वैसे आपको ये चश्मे वाला बंदर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, रेड हैंडेड तमरिन। दोस्तों, ये रेड हैंडेड तमरिन है, यानी लाल हाथ वाला बंदर, और ये एक जंगली बंदर है जिसका जंगल ब्राजील, मस्ताना, फ्रेंच, सूरीनाम और अमेज़न नदी से घिरा है। ये लाल हाथ वाला बंदर गहरे भूरे या फिर काले रंग का होता है, और इसके पैरों और हाथों पर लाल या ऑरेंज रंग होता है। दोस्तों, इसके शरीर पर बड़े कान और बड़े बड़े बाल होते हैं। इसकी बड़ी बड़ी उंगलियों में बड़े बड़े नाखून होते हैं, जो किसी पंजे से कम नहीं होते। ये बंदर असाधारण तरीके से पहाड़ों पर चढ़ते हैं और अपना ज्यादा समय पेड़ की टहनियों पर बिताते हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही तेज और फुर्तीला होता है, और इसके साथ साथ ये अच्छा जंपर भी है। अगर इस बंदर को चोट भी लगी हो, बड़ी से बड़ी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत रखता है। वैसे आपको ये बंदर कैसा लगा,
कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, स्क्वायरल मंकी। दोस्तों गिलहरी की तरह दिखने वाला ये बंदर दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ये गिलहरी बंदर 40 सेंटीमीटर की पूंछ के साथ शरीर की लंबाई में 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये बंदर छोटे प्राइमेट्स में से एक है। आपको बता दूं कि इनका शरीर आकार में छोटा होता है, लेकिन इनका दिमाग बड़ा होता है और इसी वजह से इसे चालाक बंदरों में से एक माना जाता है। दोस्तों यूएस में 1975 के दौरान इस गिलहरी बंदर को उसके आकर्षक रूप और स्वच्छता के कारण पालतू जानवरों में शामिल कर लिया गया। वैसे आपको ये बंदर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, एम्पायर तमरिन। दोस्तों इस बंदर को कथित तौर पर जर्मन सम्राट विलहम का दूसरा रूप माना जाता है। ये दक्षिण पश्चिम अमेजोन के पूर्वी पेरू और अमेजोन के पश्चिमी ब्राजील राज्यों में पाया जाता है। ये सम्राट तमरिन मुख्य रूप से भूरे रंग का होता है, जिसकी छाती पर पीले रंग के धब्बे होते हैं। इसके हाथ पर काले और पूंछ का रंग भूरा होता है। दोस्तों इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके मुंह पर सफेद रंग के लंबे बाल होते हैं, जो देखने पर एक मूंछ जैसी दिखाई देती है, जो इस बंदर के शान को और भी बढ़ाती है। दोस्तों ये पहला बंदर होगा जिसके चेहरे पर लंबी मूंछे हैं। इसके अलावा इनके पास नुकीले पंजे हैं, जो पेड़ के तने को खोदकर भोजन ढूंढने में मदद करते हैं। वैसे आपको ये मूंछों वाला बंदर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, रेड शैंकेड डूक। दोस्तों ये बंदर इंडो चाइना का मूल निवासी है और ये वियतनाम, दक्षिणी लाओस और उत्तर पूर्वी कोलंबिया में भी पाया जाता है। ये दूसरे बंदर की तरह लाल टांग वाला लंबा और पतला बंदर है। दोस्तों ये बंदर अपनी प्रजाति में सबसे ज्यादा रंगीन है। इस बंदर के पास 5 रंग होते हैं, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्राउन और ऑरेंज, और इसी वजह से इस प्रजाति को 5 रंगों का डूक कहा जाता है और इन्हें प्राइमेट्स की रानी भी माना जाता है। इनके बच्चों का शुरुआती दौर पर कलर पीला और भूरा होता है, लेकिन 8 से 24 महीनों के बीच ये अपने रंगों के साथ बदल जाते हैं। इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसने कलरफुल टी शर्ट और पैंट पहना है। वैसे आपको क्या लगता है कॉमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, मरून लंगूर। दोस्तों लाल रंग के ये बंदर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये बंदर ज्यादातर जंगल के 2000 मीटर नीचे रहते हैं और अपना ज्यादा समय पेड़ों में बिताते हैं। इनका वजन 6 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों इनके गहरे लाल रंग के साथ साथ इनकी आंखें भी कमाल की होती है, जो इसकी सुंदरता की असली पहचान है। ये लाल रंग के बंदर अपने इलाके में किसी दूसरे को घुसपैठ करने नहीं देते। जहां तक उनकी नजरें जाती हैं, वहां तक ये अपना राज चलाते हैं और दूसरे बंदरों को अपनी तेज आवाजों से चेतावनी देते हैं। लेकिन इनके शिकार और रहने की जगह को नुकसान पहुंचने के कारण इनकी संख्या में कमी होती जा रही है। नंबर 1, व्हाइट फेस कैपुचिन। दोस्तों ये बंदर अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। वैसे तो ये बंदर जंगल की सभी स्वादिष्ट चीजों को खा जाते हैं, लेकिन अपनी एक विशेष भूमिका के लिए वर्षा वाले वनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बंदर बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और इन्हें पैराप्लेजिक व्यक्तियों की सहायता के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। 4 किलोग्राम वाले ये बंदर ज्यादातर काले होते हैं, लेकिन शरीर के सामने वाले हिस्से पर गुलाबी चेहरा और सफेद रंग होता है, जिसके आधार पर इन्हें इनका नाम दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ये जरूर बताना कि आपको कौन सा मंकी अच्छा लगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।